ट्रेन है ऑलमोस्ट खाली और इधर बैठी है घरवाली। हाय हाय। ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट रुकती है, अभी ये इसके 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है और मैडम को जाना है वहाँ पीछे आगे बुक स्टोर, देखा है मैडम ने। चलो यार यहाँ 2 दिन स्टे कर लेते हैं और क्या। अच्छा नहीं तो स्टेशन तभी बना लेना, आपका क्या एडिट तो मुझे ही करना पड़ता है। तो गाइस हम चलने लगे हैं, जहाँ जो हम चलने लगे तो चलने लगे हैं रास्ते। हमारा ट्रिप हो गया है खत्म और अब हमारी ट्रेन है 10 बजे की। और अभी तक गोवा वाली ऐसे लोग नहीं आ रही थी, पर जाते टाइम गोवा वाली लुक में जा रहे हैं। यही जा रहे हैं गोवा वाली लुक में, मैं तो ऐसे जा रही हूँ। जे तो ऐसे ही जा रही है यार, पूरी ट्रिप में बाल खराब हो गए खुले छोड़ छोड़ के ना, तो इसलिए मैंने अब घूम ली है। देखो और मैं देखो पैकिंग कर रहा हूँ, सारी पैकिंग मैंने कर ली है। झूठ बोल रहे हैं ये, एक नंबर के झूठे यार, लेटे हुए थे ये, सिर्फ अभी लोशन निकाल रहे हैं अपने मुंह पे लगाने के लिए, वो भी मिल नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने इनको बोला है लोशन दूसरे बैग में है और ये इस बड़े बैग में ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा इनको लोशन। बोलोगे कुछ अब? नो कमेंट्स। तो ठीक है अब हम लोग निकलने लगे हैं, अब आपको रास्ते में मिलते हैं। ओके बाय। दोस्तों कैमरा लेके आए थे पर हम कर नहीं पाए इसे शूट, बिकॉज मैडम जी कार्ड तो घर पे ही भूल आई। पता है क्या, इन्होंने मुझे बोला था कैमरे का बैग उठा लेना, मैंने बैग खोल के भी नहीं देखा, कार्ड इसमें होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। वो कॉमन सेंस वाली बात है, ये गलती हो गई, मैंने आपसे कह रहा है। मेरी क्या गलती है इसमें? ठीक है, बंदूक में गोलियां ही नहीं है भाई। और ये बच्चे हैं, सुबह से सुबह देखा क्या खाए जी। आग सूझ रही है सुबह सुबह से। ये गंदा स्विमिंग पूल पानी का, ये सारी दुनिया का बोझा ढोते हुए मेरे पति। चलो चलो, तो अब हम निकल चुके हैं, मुंह से आवाज भी निकाल ले कर रहा हूं। अब हम निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन है। ओके, ये गोवा का ट्रिप बड़ा यादगार था, मजा आया बहुत। आपको मजा आया? यस, अब तो ये आपको है आपको मजा आया? बिल्कुल भैया, आपको मजा आया? इधर देखना, इधर बैक साइड नहीं दिख रही। मजा आया? हाँ बढ़िया। और चित्रू तुझे मजा आया? ओ चित्रा, इसका तो मुंह ही ऐसा रहना है पूरा। इसको तो सबसे ज्यादा मजा आया। मुझे तो इतना मजा आया कि कभी भी मैं अगर सदमे से उठा तो यही ट्रिप याद आएगा। नहीं उनकी बात नहीं आती कोई करनी, मतलब अच्छा मजा आया। हम लोग गोवा स्टेशन पे बैठे हैं, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन है 10 बजे, 10:10 पे, और अभी 9 भी नहीं बजे हमारी ट्रेन नहीं है। और ये हमें 2 घंटे पहले ले आए हैं, तो मैंने पढ़ने के लिए ले ली है टिंकल। बचपन में बहुत पढ़ी है, ट्रेन की जर्नी बिना टिंकल के अधूरी सी लगी, इसलिए मैंने एक टिंकल ले ली है। तो आप में से ज़रूर कमेंट करके बताना कौन कौन टिंकल पढ़ता है, कौन अपनी बचपन के दिनों को मिस कर रहा है। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट आई है राजधानी। दोस्तों को अपने चश्मे उतार के दिखाओ, पता तो लगे कौन बोल रहा है। मास्क उतार दो, पता लगे। तो हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट है, अभी हम वेट कर रहे हैं, आने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिखा रहा है कि पहुंच चुकी है। मैंने इससे पूछा, तेरा नाम तो राजधानी नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन में दिखा रहा है कि स्टेशन पे ही है ट्रेन। ठीक है, तो फाइनली ट्रेन आ गई हमारी, आती दिख रही है। आ! तो दोस्तों बड़े इंतजार के बाद आई है ट्रेन।
ढोकला खा रही है मैडम, बेकार है। बच्चे बैठ चुके ऊपर, चश्मा उतार के बनाओ। मिर्च तीखी है। ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब चलने की तैयारी है। खाना आने वाला, खाना खाएंगे। लंच के बाद टाइम हो गया है मैडम का चाय नाश्ते का। मेरा ये चाय नाश्ता मेरा? यस, दूध मार रही है। चाचा देख लो, कुछ मेरे प्लेट में रख दिया है और अब यहाँ से उठा उठा के खाएंगे, लेकिन मुझे बदनाम। ये है मुंबई का इलाका, ये मुंबई है और अभी हम मुंबई के रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। कौन से स्टेशन पे? पनवेल। और वहाँ पे हम क्या खाएंगे? बड़ा पाव। कौन सा वाला? लाल चटनी वाला बड़ा पाव, मसाला लाल मसाले वाला। ये देखिए मुंबई, बस सब मुंबई के पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स। चलो यार यहाँ दो दिन स्टे कर लेते हैं और क्या। चलो दोबारा बोलो क्या कहा आपने? स्टे कर लेते हैं, घर को जाने ही है। देख ले उधर, आने ही तो स्टेशन, तभी बना लेना। आपका क्या एडिट तो मुझे ही करना पड़ता है। आपने तो दबा दिया, अभी नहीं आया स्टेशन, आएगा जब बता दूंगी, कूड़ा दिखा दूंगी। मैंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने ही बोला। इसने मुझसे बोला कि मुंबई का कूड़ा दिखा दो, मैंने इसको दिखाया और मैं कह रहा हूँ ये ना मुंबई का कूड़ा, तो ये कह रहा है कि नहीं ये पंजाब का कूड़ा है। नहीं, ये पंजाब का कीमती हीरा है जो आपको मिला है, जो नुकीला है। स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। टिंकल में कर रही है हमको बर्बाद। हर स्टेशन पे चाहिए इसे टिंकल की एक नॉवल। एक टिंकल लिया अभी तक मैंने, झूठे झूठे। तो कैसे लग रहा है आपको पनवेल उतर गए? बड़ा पाव भी आपने ले लिया है, मैंने लिया है। मसाला लाल वाला भी मिला आपको, मैंने बोला लाल वाला मसाला आता है। चले बुक नहीं लेने दोगे? यार बुक फिर देख ले, ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट रुकती है, अभी ये इसके 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है और मैडम को जाना है वहाँ पीछे आगे बुक स्टोर, देखा है मैडम ने। गौर से देखिए इस आदमी को, और ये देखिए मसाला कितना डाल रही है अपने वड़ा में, पाव में। अपने पाव में, वड़ा पाव में। तो कैसा लग रहा है मुंबई का ऑथेंटिक वड़ा पाव? तू बता, मैंने तो 2 महीने इसी पे काटे। कैसा लग रहा है वड़ा पाव? भैया ने एकदम मुंह रोक लिया। बढ़िया। भैया ने एकदम जमाना बंद कर दिया। कैसा लग रहा है? और ये चाय चाय चाय। डिनर सेम चीज है, दाल थोड़ी चेंज है, पानी ज्यादा है, पनीर थोड़ा चेंज है सेम चीज, दही, रसगुल्ले, पराठे, राइस और उधर है पिकल। तो आप डिनर कर रहे हैं और डिनर के बाद करते हैं बात आपसे, सो जाएंगे। तो दोस्तों सुबह हो गई है, सुबह के 7:40 हो रहे हैं और
पे। सर अभी भी आधी नींद में है। मैं कहाँ हूँ? ये बच्चा जाग गया है, इसको नींद आ रही है। दोबारा सो रहा है। रुद्रु हमारी जो ट्रेन है वो कोटा स्टेशन से निकल गई है और अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे फरीदाबाद। यस, और हम ऑन द वे हैं। ये देखिए दोस्तों, बेबी कोट पहन के टीसी लग रही है। टीसी सर, टिकट चेक कर लो हमारी। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, भाई साहब की आंखें बंद चपकी हुई थी अभी एक आंख। ये हमारा टी सीट हमारा। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से पार होती है ट्रेन और यहाँ रुकी नहीं, हमें वापस आना पड़ेगा उल्टा गेड़ा लगा के दिल्ली से जाके। हेलो, फरीदाबाद स्टेशन अभी गए है, हमें उतरना तो यही था पर इसका स्टॉपेज नहीं है, कम मंजिल रुकेंगे, हमें उल्टा गेड़ा लगाना पड़ेगा वहाँ से। वहाँ मैंने अपना दोस्त बुला रखा है, वो हमें पिक करने आ रहा है। हाँ, ले बच्चा अपने। ट्रेन है ऑलमोस्ट खाली और इधर बैठी है घरवाली। हाय हाय, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर हम आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। क्यों ऐसा? थके हुए नहीं आए आप? बैठे बैठे थक गए, बैठे बैठे थक गए, अब जाते हैं थोड़ा चार्ज। ठीक है, तो अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। घर जाने से पहले हमारा एक और स्टॉप है, वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। हमारा वो स्टॉप कैंसिल हो गया क्योंकि प्रीति दीदी खुद ही घर पहुंच रहे हैं। तो ये है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, हम बाहर आ गए हैं और हमारा ट्रिप यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ से हम जाएंगे घर। ट्रिप बड़ा मजेदार था और यहाँ पे पार्किंग को लेके बहस हो रही है। कैसा रहा फिर आपका एक्सपीरियंस ट्रिप का? आपसे मेरा जैसे हर बार रहता है। आप बताओ आपका कैसा रहा? ऑसम भैया, आपका मजा आ गया, मजा। और आप दोनों का? मैंने तो खोला। चित्रा, ओ चित्रा, मजा आया गोवा में? तो ठीक है, फिर हमारा ट्रिप हो गया खत्म। अभी रुद्र सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद पूछ के बताएंगे। हम आपसे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम घर और मिल रहे हैं अपनी मैया से। हमारा ट्रिप खत्म हो गया है, बहुत अच्छा ट्रिप था। और बाकी हमने क्या क्या करा मम्मी को बताएंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि हमारे चैनल को और व्यूज मिले जो कि नहीं मिल रहे। कोई नहीं, सबर का फल मीठा होता है। चलो ठीक है, बाय।